औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप दोस्तों के लिए रोज़ाना एक ऐसी टिप लाते हैं जिससे आपको बहुत सीखने को मिलता है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप दोस्तों को समझाएंगे, वो थंबनेल से रिलेटेड है। ये देखें, जैसे मैं अपना YT स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी वीडियोस के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है जिस पे क्राउन से वीडियो अपलोड कैसे करें। तो ये जो थंबनेल का मैटर होता है, ये बहुत अहम होता है YouTube के अंदर। तो काफ़ी दोस्तों को ये लगाना नहीं आता है कि ये कैसे लगाना है। ये देख सकते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड हमारी वीडियो है, उसी से रिलेटेड हमने अपना थंबनेल बनाना होता है, ताकि लोग इसे देखें तो हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें। तो अब हम आते हैं इसे बनाने की तरफ। हमने यहीं से एक वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस पे थंबनेल नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे हम ये बहावलनगर आयरस वेलफेयर ट्रस्ट, इसका हमने थंबनेल बनाना है। तो आज हम ये आप दोस्तों के सामने बनाएंगे और इसे एडजस्ट करेंगे कि कैसे होता है ये। यहाँ से हम बैक चले जाएंगे, तो ये आप ऐप देख सकते हैं, अल्टीमेट थंबनेल मेकर। इसे आप अपने प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका बिल्कुल आसान तरीका है, इसे आपने इंस्टॉल करके ओपन करना है। यहाँ से ये डाउनलोडिंग जिस वक्त हो जाएगी, तो ये बिल्कुल यानी कि इजी ऐप है। इसमें किसी किस्म की, अक्सर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो पिक्स आर्ट का मशवरा देते हैं, तो मैं इसलिए आपको उसका मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। जिस वक्त आप अपने थंबनेल इस ऐप से लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपने सिंपल इसे ओपन करना है और ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ऐड बैक करना है आपने। तो ये देखें जी, वीडियो के टाइटल आ गए हैं और फेसबुक के भी आप बना सकते हैं, इंस्टा के भी बना सकते हैं। हमने बनाना है यूट्यूब का साइज़ फॉर यूट्यूब। ये देखें जी, ये आ गया। ये कवर साइज़ में भी मिल जाता है, थंबनेल साइज़ में भी मिल जाता है, टैबलेट डिस्प्ले में भी मिल जाता है। तो हमने थंबनेल पे आज बात करनी है, तो थंबनेल को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, इधर ये बैकग्राउंड्स आ गई हैं, इसमें से जो आपने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें, जो आपको पसंद लगती है। और इसमें लैंग्वेज का भी मामला है, और लैंग्वेज भी मैं आपको ये बताऊंगा। तो मेरी ये ऑरेंज जो साइट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इधर से अगर आप इसे तब्दील साइज़ चेंज करना चाहते हैं या कुछ और सेटिंग करना चाहते हैं इसमें, ये देखें, ये अब बॉर्डर लग जाता है। इधर से बैक करेंगे ना, ये अब इसी तरीके से आपका थंबनेल ओपन होगा। तो यहाँ से हमने इसे टिक करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है, ये इधर ये आपका थंबनेल का साइज़ क्लियर होकर आ चुका है। अब हमने इस पर करनी है राइटिंग। यहाँ पे टेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, इधर लिखेंगे जो आपने टाइटल देना है, बहावलनगर आयरस वेल फेयर की कोशिश से 25 मुस्तहिक मजदूर अफराद हो व्हील चेयर। ये यहाँ पे राइट
दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये राइटिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि इसकी राइटिंग हमें सेट नहीं करना आ रही, तो यहाँ से आपने इसे पहले तो साइड में लाना है, यानी कि ये दो ऑप्शन है। थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ दिखाई देता है तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जो इसकी राइटिंग है इसे तब्दील करने के लिए इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी राइटिंग जो है बहुत आपने मेरे अक्सर थंबनेल पे देखी होगी, ये आपने किसी को नहीं देखना है, सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे टॉप टू सेलेक्ट फॉन्ट इस पे आपने टिक करना है। तो ये देखें आप, हमारी राइटिंग जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब इसके अंदर आप कलर भी तब्दील कर सकते हैं अपनी राइटिंग का, ये देख सकते हैं। यहाँ से आप जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पे अभी और भी काम करना है तो मैं इसे ब्लैक ही रखता हूँ। यहाँ से फॉन्ट हो चुका है। आउटलाइन पे जिस वक्त आप क्लिक करेंगे, ये नीचे साइज़ है आउटलाइन का, आउटलाइन पे आपने सेलेक्ट करके यहाँ से इसे कलर देना है। ये देखें हमने यहाँ से इसे सबज कलर देना है, तो सबज पे आकर हमने इस फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाना। तो ये देख सकते हैं आप कि ये फॉन्ट साइज़ जो है ये इस तरीके से अच्छा लगने लग गया। अब इसे आपने टिक कर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आपने कोई तस्वीर एडजस्ट करनी है तो यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, यूज़ गैलरी पे आएंगे, यहाँ पे आपने गैलरी पे सेलेक्ट करना है, या जहाँ भी अपनी फ़ोटो पड़ी है। ये मैं एक तस्वीर उठा रहा हूँ इधर से, ये तस्वीर आ चुकी है। यहाँ से आप इसका भी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मेरी वैसे ही बैकग्राउंड हटी हुई है तो मेरा इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। यहाँ से इसे जूम करेंगे, यहाँ पे ये तस्वीर लगाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद फिर ये खाली जगह है, इधर आपने सब्सक्राइब का बटन लगाना है, तो स्टिकर पे क्लिक करना है आपने। स्टिकर आपको जो भी प्यारा लगता है, यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी है और बिल्कुल फ्री में है ये, इस पर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे सब्सक्राइब नो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमने चूँकि इस पर अभी और भी कुछ लिखना है तो हमें अभी इस पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग हमने इस तरीके से करनी है कि हमें कुछ और लिखने में परेशानी ना हो। ये देखें जी, अब ये जो खाली जगह है इधर आपने जितनी आपकी जो थंबनेल है ज़बरदस्त होगा उतना, यानी कि आपके जो भी वीडियो से रिलेटेड दो तीन पॉइंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम तकरीब प्रोग्राम, देखें ये मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए आप लोगों को ये बना रहा था। तो यहाँ पे हमने इसे भी अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरीके से देनी है, इसकी सेटिंग ऐसे करनी है कि देखने वालों को ये खूबसूरत लगे। और इसमें आप बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी की जो भी आपको अच्छी लगती है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये देखें जी, ये हमारा बैकग्राउंड जो थंबनेल है वो तैयार हो चुका है। यहाँ से हमने इसे सेव करना है, ठीक हो गए। तो ये सेव होने के बाद आपके पास इस तरह का ऐड आएगा, ऐड को क्लोज करना है। आपने यहाँ से बैक जाना है, ये रेटिंग इसकी स्टार देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो लेटर पे लगा दें, इससे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसके बाद आप जब बैक जाएंगे तो यहाँ से लीव हो जाना है। आप बिल्कुल यहाँ से फ्री हो गए हैं, एग्जिट कर दें इसे, तो अपने वाइट स्टूडियो पे आ जाएं दोबारा। जिस वक्त आपका वाइट स्टूडियो ओपन होगा आपने उस वीडियो पे आना है, आयरस फाउंडेशन वाली वीडियो जो है उसे आपने यहाँ से आके सेलेक्ट करना है। यही वीडियो थी, भावनगर आयरस वेलफेयर ट्रस्ट, इसे आपने क्लिक कर देना।
यहाँ पे आपको एक शेयर का बटन दिखाई दे रहा है, एक यूट्यूब का। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे वीडियो प्ले होगी, शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने नेटवर्क पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमने इस पे लगाना है थंबनेल। थंबनेल लगाने के लिए हमें इस पेंसिल पे क्लिक करना है। इसमें बहुत सी मालूमात हैं, वो हम तफसीलन बारी बारी वीडियोज़ बनाकर आपको देते रहेंगे। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे थंबनेल तब्दील करना है। यहाँ पे आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग वगैरह भी कर सकते हैं, उसकी मैं तफसीलन वीडियो एक नेक्स्ट डेज में बनाने वाला हूँ। तो थंबनेल लगाने के लिए ये वीडियो की जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर छोटा सा पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है बेसिक इन्फो के नीचे, तो इसे आपने क्लिक करना। अब यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे कस्टम थंबनेल पे आपने क्लिक करना है। जिस वक्त आप कस्टम थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपके थंबनेल बने होंगे, ये हमारा जो हमने अभी बनाया था वो आ चुका है। हमने इसे सिलेक्ट कर, ये देखें जी, बहावलनगर आयरस वेलफेयर की कोशिश से 25 मुस्तहिक माजूर अफराद को व्हीलचेयर, मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम तकरीब प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो भी दोस्त इसके पढ़ेंगे उनकी ये कोशिश होगी कि इसे हम देखें। तो कोशिश ये करें कि टाइटल इस किस्म का बनाएं कि लोग वीडियो को देखना ज़्यादा से ज़्यादा। सेलेक्ट करने के बाद जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे, ये आपके वीडियो पे ऐड नहीं होगा। आपने यहाँ से ऊपर सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक करना है। ये लें जी, ये इतना सा आज का काम था। ये हमारा थंबनेल बन चुका है। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, पहले उसकी जो वीडियो लोकेशन थी वो दिखाई दे रही थी, अब इधर इसकी जगह पे वो जो थंबनेल हमने बनाया वो आ गया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आदमी इसे पढ़ेगा, जो भी यूट्यूबर इस पे जा रहे हैं, वो इसे पढ़ कर इसे क्लिक करते हैं। थंबनेल जो होता है वो बहुत अहम चीज़ है, तो उसके ऊपर वर्क करना लाजमी होता है। जिस वक्त हम थंबनेल मज़बूत बनाएंगे, अपना टाइटल मज़बूत बनाएंगे और अपनी डिस्क्रिप्शन मज़बूत बनाएंगे और टैग्स पे अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो हमें व्हाट्सएप ग्रुपों में जाकर किसी से ये सब्सक्राइबर लेना या वॉच टाइम लेना या व्यू लेना, असल में हमारे ग्रोथ मज़बूत होती है यूट्यूब सर्च से। यूट्यूब सर्च उसी सूरत में होता है जब हम अपने चैनल पर वर्क अच्छे से अच्छा करेंगे। उम्मीद है आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सीखने को भी मिल गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो भी दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो थंबनेल के साथ अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि हमारी आइंदा न्यू अपलोड होने वाली जो अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द अज़ जल्द मिल सकें। आइंदा एक और प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आसिफ रज़ा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।